और खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायकों की आपात बैठक हो रही है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल के घर पर यह गोपनीय बैठक चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व विधायकों की आपात बैठक, और बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली जाकर मुलाकात करेंगे ये विधायक, और विधानसभा चुनाव में हार को लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे। बृहस्पति सिंह, शिशुपाल सोरी, पद्म मनोहर और मोतीलाल देवांगन के साथ ये तमाम विधायक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। डॉक्टर विनय जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं, उनके यहाँ ये बैठक चल रही है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तमाम जो वो दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी उन्हें इस बार टिकट नहीं मिल पाई थी और वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन पार्टी के लिए इन्होंने काम किया। बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है विधानसभा चुनाव में, जिसके बाद अलग अलग स्तरों पर समीक्षा बैठक चल रही है। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं ने जो है समीक्षा की थी, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें भी समीक्षा हुई है। अब पूर्व विधायक अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार कैसे हुई है, और पूर्व विधायकों ने जो है ये तय किया है कि वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विनय जायसवाल आपको नजर आ रहे हैं, बृहस्पति सिंह है, चंद्रदेव राय है, गुरुदयाल बंजारे हैं, शिशुपाल सोरी है, भुवनेश्वर बघेल है, पद्मा मनहर है, लक्ष्मी ध्रुव है, मोतीलाल दिवांगन है, चुन्नीलाल साहू है, चुलेश्वर चंद्राकर भी नजर आ रहे हैं जो संगठन के नेता हैं। एक जो बृहस्पति सिंह जो बैठे हैं उनसे पूछ लेते हैं। बृहस्पति सर, आज की बैठक में जो है समीक्षा करेंगे आप कांग्रेस पार्टी की हार हुई उसकी? देखिए, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जो होना था 2023 में तो हो चुका, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात की हम अभी समीक्षा करके अध्ययन करेंगे और आने वाला समय के लिए हम सतर्क हो जाएं ताकि इसका पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग ऊपर हाईकमान से भी बात करेंगे। तो इसमें ये भी तय देखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्तरों पे आप लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है कि पार्टी ने उस स्तर पर काम नहीं किया, कई जगहों पर जो है खुलकर विरोध भी हुआ, बगावत भी हुआ, भीतरघात भी हुआ, उसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में सभी लोगों को बहुत पीड़ा है और सभी लोग बहुत क्षुब्ध भी हैं कि किन कारणों से जो इतनी लोकप्रिय कांग्रेस की सरकार थी उसको ये दिन देखने पड़े हैं। तो सारे जो हमारे साथी हैं आज सामान्य रूप से मेरे घर में आए हुए हैं। हम लोग सभी अपना अपनी बात रख रहे हैं, वैसे भी हम लोग पहले भी बैठते थे, ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में आगे की जो गतिविधि है, आगे पार्टी कैसे मजबूत हो, पार्टी को क्या हम लोग इनपुट दें, उसके लिए भी चर्चा करेंगे, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात का समय भी मांगेंगे और जाएंगे। तो ये जो तमाम जो नेता हैं ये बातचीत कर रहे हैं, अपने वरिष्ठ नेताओं को रिपोर्ट भी सौंपेंगे, चूंकि और वरिष्ठ नेता हैं मोतीलाल दिवांगन जी, क्या बातें होगी, क्या यहाँ पे भी अपनी बात को रखेंगे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके पास भी, और उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे? हम लोगों ने तय किया है कि जो अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें पार्टी की करारी हार हुई है, इसके संबंध में अभी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, और माननीय हाईकमान को हम लोग समय मांग रहे हैं, और समय मिलने पर हम लोग दिल्ली जाकर अपनी बातों को वहां रखेंगे ताकि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 11 की 11 सीट किस तरह से जीत सके, इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं वो इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो है वो हार कैसे हुई है, और इस हार के पीछे क्या उनके अपने लोग ही शामिल रहे हैं क्या। और आपने देखा भी होगा कि जब जैसे ही रिजल्ट आया था उसके बाद से ही अलग अलग नेताओं के बयान आए थे, उसमें बृहस्पति सिंह का भी बयान आया था, विनय जायसवाल का भी बयान आया था, और उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी, और उन्होंने तो प्रदेश बृहस्पति सिंह ने तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा को हटाने की भी मांग कर दी थी। उसके बाद से पार्टी की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन एक बार फिर से पूर्व विधायकों की इस तरह से मीटिंग करना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और इस बैठक से कांग्रेस पार्टी में भी हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज 24, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।